कुंडल के बड़े बाबा की। अरे आनंद की वर्षा हो रही है, जय इतनी जोर से बोली जाए कि सीधे इंद्रासन तक आवाज पहुंचे। बोले कुंडल के बड़े बाबा की और हमारे छोटे बाबा की, मुनि संघ की। सचमुच में अद्भुत दृश्य है। स्वर्ग के बारे में हमने सुना है, देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग भी इससे सुंदर क्या होगा। आचार्य भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है। जहां इतने तपस्वी हो, इतने सिद्ध हो, ऐसी दीदियां हो, माताजी जिन्हें संपूर्ण जीवन आचार्य जी के मार्गदर्शन में सब त्याग के समाज की सेवा में लगा दिया, प्रणाम आपको। इस दृष्टि को देख के हम धन्य हुए। लेकिन विनय भैया, मैं एक बात का खंडन करता हूं, यहां मुख्यमंत्री नहीं आया, यहां तो गुरु का शिष्य ही आया है। शिवराज अगर आया है, छोड़ के आया है, गुरुदेव आपके चरणों में सब कुछ न्योछावर करने आए। और हम सब जो बैठे अत्यंत सौभाग्यशाली, हमारे सौभाग्य पूरे आचार्य भगवान और ये दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और जब मैं यहां आया तो इच्छा थी हमारी के नीचे जाके बैठे सामने। आचार्य भगवान, आपके चेहरे का तेज, आपकी वाणी का ओज, सरस्वती आपके जीवन पर बिराजती है, और आपको देख के सचमुच में ऐसा संतोष और आनंद मिलता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी सूरत मन मंदिर में बसी रहती है, हृदय घर में समाई रहती है। पहली बार मिला था मैं, पहली बार आचार्य भगवान को ध्यान होगा निमावर में, गमछा डला था मेरे गले में, भगवान ने कहा था गमछे वाले, तब मैं सांसद था और तब साधना भी शायद मेरे साथ नहीं थी, तब से आपकी सूरत आंखों में समाई हुई। मन भरक्त नहीं होता, और सचमुच में हमें आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि कोई चलते फिरते आचार्य भगवान कभी इस धरती पर आए थे। धन्य है रे अपन को जो आंखों से देख रहे हैं, सब भरोसा देख रहे हैं, इसी तपश्चर्या करने वाले। अब क्या क्या नहीं छोड़ा आपने, बस हमें मत छोड़ देना। कृपा दृष्टि बनाए रखना, आशीर्वाद की वर्षा करना। सचमुच में कोई ऐसे व्यक्ति भी, हाड़ मास के पुतले भी इस धरती पर हो,
और मैं एक बात और, आज दिल की बात है, आज तो मुझे भी मुकुट बांध दिया गया है, तो मैं बिने भैया से कह दिया काय को, बोले आचार्य श्री ने कहा है बांधो। अब आचार्य भगवान की आज्ञा का तो पालन अवश्यंभावी होता है, लेकिन एक खुल के कह रहा हूं, कभी अगर कोई समस्या सामने आती है सरकार चलाते हुए भी, और दुविधा में होते हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, तो अपन दोनों आंख बंद करके और मंदिर में बैठ जाते हैं, आचार्य भगवान दिखाई देते हैं, उनका हाथ उठता है और समस्या का समाधान हो जाता है। और मैं ये भी नहीं छुपाता, रोज आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम किए मैं भोपाल में घर से निकलता नहीं हूं।